आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। पंजाब समेत देश के 5 राज्यों में चुनावी रणभेरी बच चुकी है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटें पहले चुनाव 14 फरवरी को होने थे, लेकिन रविदास जयंती की वजह से अब चुनाव 20 फरवरी को होना है। प्रदेश में जहां एक तरफ सत्ताधारी कांग्रेस के साथ भाजपा लगातार पैठ बनाने में जुटी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए सीएम पद के चेहरे पर भगवान मान के नाम का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर भगवंत मान के नाम पर मुहर लगा दी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का चेहरा अब भगवंत मान ही होंगे। आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि पब्लिक वोटिंग से यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि 21 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी राय दी, जिसमें 93% लोगों ने भगवंत मान के पक्ष में वोट दिया, जबकि 3% लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू के लिए वोट किया। केजरीवाल ने भगवंत मान के नाम का ऐलान करने के बाद उन्हें गले लगाकर बधाई दी। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। मैं अपनी बात पूरी, दो मिनट। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने दूसरी पार्टियों पर भी निशाना साधा। वह बोले कि दूसरी पार्टियां अपने बेटे, बहू या घर के आदमी को सीएम फेस बना देती हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। केजरीवाल बोले कि भगवंत मान मेरा छोटा भाई है, मैं डायरेक्ट उनका नाम देता तो भाई भतीजावाद के आरोप लगते, लोग कहते केजरीवाल ने अपने भाई को उम्मीदवार बना दिया, इसलिए यह फैसला पब्लिक वोटिंग से लिया गया है। कौन है भगवंत मान? जी हाँ, आपने पंजाब से भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि आखिर भगवंत मान कौन है। भगवंत मान 2014 से आम आदमी पार्टी के लोकसभा सदस्य हैं। 2014 में संगरूर से सांसद चुने गए। 2019 में लगातार दूसरी बार संगरूर से सांसद बने। वह जाट सिख परिवार से आते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं समेत नेतृत्व में अच्छी पैठ है। मालवा इलाके समेत पूरे पंजाब में खासे लोकप्रिय हैं। जट सिख समाज से आते हैं भगवंत मान। जट सिख समाज का पंजाब में दबदबा है। युवा नेता, साफ छवि, भाषण का अंदाज है ताकत। भगवंत मान के घर का नाम जुगनू है। वह फेमस पंजाबी कॉमेडियन भी रह चुके हैं। कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से वह काफी मशहूर हुए। इस रियलिटी शो में नवजोत सिंह सिद्धू बतौर जज नजर आते थे। भगवंत मान का जन्म 17 अक्टूबर 1973 के संगरूर जिले के सतोज गांव में हुआ था। उन्होंने संगरूर के एसयूएस कॉलेज से बीकॉम किया है। भगवंत मान ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत मनप्रीत सिंह बादल की पार्टी पंजाब पीपल्स पार्टी से की थी। भगवंत मान 2012 में लहरा विधानसभा सीट से लड़े थे, लेकिन हार गए। बाद में मनप्रीत कांग्रेस में शामिल हो गए और भगवंत मान आम आदमी पार्टी में आ गए।
फिलहाल पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है और भगवंत मान के नाम पर सीएम पद के उम्मीदवार की मुहर लगा दी है। अब ये देखना अहम है कि एक तरफ जहां कांग्रेस सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर दांव खेल रही है, तो भाजपा को कहीं ना कहीं अमरिंदर सिंह का साथ मिल रहा है। अब ये देखना दिलचस्प है कि 22 के रण में फतेह किसके हाथ लगती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। खास खबर, ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।